नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट हल्दी तो हर किसी के घर में होता है और हल्दी के बिना हमारा जीवन अधूरा है क्योंकि खाने में जब तक हम हल्दी डाले नहीं तब तक हमारा खाना शुभ नहीं होगा शुभ मंगल कार्यों में हल्दी का प्रयोग भी होता है और हल्दी का सीधा संबंध देव गुरु बृहस्पति से है देव गुरु बृहस्पति जो जीवन में वैवाहिक जीवन में खासकर महिलाओं के कारक हैं और उनको सुख देते हैं संतान की प्राप्ति विदेश से धन हर व्यक्ति चाहता है जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हों सुख हो शांति हो खूब पैसा कमाए और इसके लिए जी जान कर मेहनत भी करता है जी जान लगाकर लेकिन बार बार सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कभी कभी, कभी कामयाबी नहीं मिलती सुख ही नहीं आता जिसकी वह कामना करता है अगर आपके भी जीवन में ऐसी कुछ समस्याएं चली आ रही हैं तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए देखिए हल्दी के डब्बे में आखिर क्या डालें अपनी मनोकामना कहते हुए कि आपकी मन्नत पूरी हो जाए आखिर हल्दी किस बर्तन में रखना चाहिए प्लास्टिक में कांच में या स्टील में सबसे ज्यादा बेहतर किस में रखना अच्छा होता है किस बर्तन में रखने से राजयोग बनते हैं तो आइए हम छोटी छोटी खुशियाँ आपके साथ शेयर करेंगे बातें शेयर करेंगे जो आपके जीवन की खुशियों को लौटा देगा हल्दी जो कि गुरु से संबंध रखता है इसका प्रयोग पूजा पाठ में भी होता है और हमारे किचन में तो होता ही है क्योंकि बिना हल्दी के खाना बन ही नहीं सकता आज हम आपसे जुड़े हैं आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे हल्दी के तमाम प्रयोगों के बारे में भी बातें करेंगे दो शब्दों में देखिए सबसे पहले तो एक बात जान लें कभी कभी क्या होता है ना अक्सर घरों में सेवेंटी परसेंट ऐसा है हमारे भारतीय घरों में ये सर्वे है कि पति पत्नी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं ताउम्र साथ रह लेते हैं पर समझ नहीं पाते हैं पत्नियां कहती है हमें प्यार ही नहीं मिलता पति का या फिर पति किसी ने किसी बात पर आपसे हमेशा उखड़ा रहता है झगड़ा करता है तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा किसी भी गुरुवार के दिन आप एक हल्दी की गांठ ले लें हाथ में ओम रत काम देवाय नम ओम रत काम देवाय नम इस मंत्र का 108 बार जप करें और फिर इस हल्दी की गांठ को पति के सिराहने तकिए के नीचे रख दे रहने दे असर आपको दिख जाएगा अब कभी कभी क्या होता है आपके घर में बहुत सारी परेशानियाँ एक के बाद एक आने लगती है आप परेशान हैं कि आखिर इन उलझनों से निकलने के कोई रास्ते नहीं हैं क्या अब बहुत मुश्किल में हैं तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा अपने घर की बाउंड्री वॉल पर हल्दी से रेखा खींच दें घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर पाएगी अब आप फ्लैट में रहते हैं ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तब क्या करेंगे अपने घर के मुख्य दरवाजे के चारों तरफ से घेरा बना दें हल्दी की गांठ से इससे भी आपकी रक्षा हो जाएगी बहुत सिंपल है अब एक छोटा सा प्रयोग कई बार कहते हैं कि ससुराल वाले प्यार ही नहीं करते ऐसा अक्सर महिलाओं की शिकायत होती है कितना भी कर लो कुछ ना कुछ कमियां ही निकालते हैं लोग और ऐसा नहीं है कि आप हमारी बहनें हैं माताएं हैं आप भी ऐसा कहेंगी कि हाँ बेटी के ससुराल में है बहुत बेटी करती है पर कमियां निकालने के लिए सब कोई बैठे हैं ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं मिलता प्रेम भी मिलता है पर कमियाँ भी निकाली जाती है तब एक छोटा सा काम कीजिएगा जब आपकी बेटी आपके घर आती है वापस अपने ससुराल जाती है तो उसको उसके हाथ में सात गांठ हल्दी के एक पीतल का टुकड़ा और थोड़ा सा गुड़ दे दें और फिर कन्या को कहें कि अपनी ससुराल वाली दिशा में फेंक दे और फिर वो ससुराल चली जाए दिशा मतलब अब मान लेते हैं आपके घर से किधर है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उसी दिशा में फेंक कर चली जाए फिर देखिएगा प्रेम कैसे मिलता है क्योंकि ये टोटका है अब कई बार क्या होते हैं जीवन में बहुत सारे ऐसे उलझने होती हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है एक अंतिम टोटका कई बार आपके पति किसी गलत चीजों के शिकार हो जाते हैं शराब पी रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं किसी अन्य महिलाओं के चक्कर में हैं। अब पत्नियां बेचारी घर में परेशान हो रही हैं तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा ग्यारह हल्दी की गांठ एक लाल मौली धागा या लाल पीला मौली धागा में लपेट लें पति के ऊपर से सात बार उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें अब ये प्रयोग आपको किस दिन करना है शनिवार के दिन आठ शनिवार कीजिए अब बहता हुआ जल ना हो तब किसी भी पास के मंदिर के सीढ़ी पर रख दें या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें पति पत्नी के नोक झोंक झगड़े लड़ाई भी समाप्त हो जाएंगे प्रेम बढ़ेगा और अगर आपके घर में लड़की है कन्या है या लड़का है विवाह नहीं हो पा रहा है तो जो कन्याएं हैं वो हल्दी की गांठ अपने गले में बाह में धारण करें अपने पर्स में भी रख सकता है और भगवान सूर्य को संभव हो तो एक चुटकी जल में हल्दी डालकर अर्पित करने से भी विवाह संबंधी मुश्किलें दूर होती है तो ये तो थी हल्दी के कुछ खास प्रयोग लेकिन क्या आपको पता है अगर आप नियमित रूप से अपने घर में आपके जो दूध रहते हैं दूध में एक चुटकी या उससे भी कम हल्दी डाल दें तो बरकत बढ़ जाती है घर में अब आप सोचेंगे कैसे डाल दें कोई बात नहीं थोड़ा सा दूध में डालकर उसको बच्चों को दे दें पीने खुद भी पी सकते हैं हल्दी वाला दूध वैसे भी पौष्टिक है लेकिन थोड़ा सा जरूरत से ज़्यादा हल्दी शरीर में विष पैदा करता है तो थोड़ा सा पीना है तो ये प्रयोग भी आप कीजिए इससे भी आपको लाभ होगा अब सवाल उठता है कि हम जो हल्दी का गांठ है उसको किस बर्तन में रखें हल्दी का पाउडर जो है जो किचन में आप यूज करते हैं तो किस बर्तन में रखें तो हल्दी जब भी आप अपने किचन में रखिए तो कांच के बर्तन में रखें हल्दी गुरु का कारक है और कांच चंद्रमा का कारक है तो क्या होगा जब चंद्र और गुरु मिलेगा तो यहाँ पर राजयोग बन जाएगा और फिर आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी बहुत सिंपल है लेकिन हल्दी के डब्बे में क्या रखेंगे उसके पहले एक और बात अगर नियमित रूप से आप एक बर्तन में पा, पानी ले लेते हैं उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करते हैं बाकी बचा हुआ पानी पौधे में डाल दें और अगर आपका बृहस्पति यानी गुरु कमज़ोर है तो पीले हल्दी को बांध कर पीले हल्दी की गांठ यानी साबुत हल्दी को पीले धागे में बांध कर बांध में या गले में पहने शुक्ल पक्ष किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की गुरुवार की सुबह ये पीले पुखराज रत्न के इतना ही कार्य करेगा और छः महीने के बाद आप इसको निकाल कर मिट्टी में दबा दें और फ्रेश पहन लें और ये बृहस्पति को मजबूत करता है हल्दी धारण करने से आपका गुरु मजबूत होता है करना चाहिए इससे मुश्किलें कम होती है पर दान कहाँ करेंगे देखिए पास के मंदिर में आप हल्दी रख कर चले आइए अब शिव जी के मंदिर में नहीं माँ पार्वती के मंदिर में आप रख सकते हैं आपकी वाणी मजबूत होती है लेकिन एक और बात जान लें किसी भी गुरुवार के दिन एक छोटी सी डिब्बी में थोड़ा सा हल्दी ले लें और उसमें आपके घर में जो भी सोना पड़ा हुआ है जिसका यूज नहीं है टूटा टूटा हुआ भी चलेगा एक छोटा सा टुकड़ा आप उस हल्दी की डिब्बी में डालकर उसको संभाल कर पूजा स्थान पर या धन के स्थान पर रख दें धन बढ़ता चला जाएगा क्योंकि सोना माँ लक्ष्मी और देव गुरु बृहस्पति हल्दी दोनों का जब मिलन होगा तो जीवन में सोच लें कि कितनी खुशियाँ आएंगी अगर कोई बड़ी मनोकामना है लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो हल्दी एक बर्तन में घोल लें पानी के सहारे पास के किसी भी पीपल के पेड़ पर इस घुले हुए हल्दी से अपनी मनोकामना लिखें और फिर बिना पीछे मुड़े घर आ जाए एक छोटा सा प्रयोग आपके घर में गोल्ड होगा सोना टुकड़ा टुकड़ा यानी मान लेते हैं नोसपिन है टूटा नो हुआ है अंगूठी है टूटी हुई है कोई भी टुकड़ा या अच्छा ही सोना है आपके पास तो उसको हल्दी एक डिब्बी में रख कर उसमें उस सोने को रख कर छिपा कर रख दें अपने तिजोरी में ही देखिए कैसे धन बढ़ेगा लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हल्दी के डब्बे में लाल मिर्च छोटे छोटे लाल मिर्च ले लें सूखी हुई कम से कम पाँच या सात अपनी मन्नत कहते हुए उसमें रख दें जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस लाल मिर्च को निकाल लें और इसको आप चाहें तो सब्ज़ी में डाल दें या फिर कहीं मिट्टी में दबा दें वैसे आप इस हल्दी के डब्बे में अपनी विष कहते हुए लाल मिर्च आपको रखना है दूसरी बात नकारात्मक ऊर्जा से भी बचेंगे और जब लाल मिर्च इसमें जाएगा तो जीवन के संघर्ष कम होते हैं वैसे हल्दी के डब्बे में दो लौंग भी डाल के रख सकते हैं इससे भी आपके जीवन की मुश्किलें कम होंगी लेकिन नमक और हल्दी एक साथ कभी मत रखें यानी नमक यहाँ पे रखा है तो हल्दी थोड़ा अलग हटा के रखें ये बहुत ज़रूरी है वरना बेवजह घर में झगड़े लड़ाई डिप्रेशन की डिप्रेंशन की समस्या पैदा होगी तकरार होगी तनाव बढ़ेगा और अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक का निशान बनाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी घर में रहने वाले सुखी संपन्न और मस्त रहेंगे और जीवन में खुशियाँ भी आती रहेंगी ये तो बहुत सिंपल प्रयोग था जो हल्दी से आप कर सकते हैं लेकिन हल्दी के डब्बे में जो लाल मिर्च डालेंगे छोटे छोटे चुनके सूखे हुए लाल मिर्च डालना है आपको इस बात का याद रखिएगा हम क्योंकि यहाँ पर देखिए अब बहुत सारे महिलाएं कहेंगी मेरे पास तो प्लास्टिक के डब्बे में हल्दी है कोई दोष है नहीं दोष बिल्कुल भी नहीं है ना ही स्टील के डब्बे में रखने से दोष है लेकिन अगर आप कांच में रखते हैं तो इसके महत्व ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके बेनिफिट मिलेंगे फिलहाल विदा लेंगे धन्यवाद